गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट के बाद ये मेरा क्लास सिक्स के लिए पहला वीडियो है, चैप्टर सिक्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस वीडियो के माध्यम से मैं चैप्टर सिक्स को डिस्क्राइब करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। हम लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है और यह बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग एक्सेल पे और भी बहुत बड़ा बड़ा काम करने वाले हैं। ये बेसिक चैप्टर है आपके बुक में, जिसमें कुछ बेसिक बातें बताई गई है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर सिक्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए सॉफ्टवेयर डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है एमएस। हम लोग जो एमएस एक्सेल बोलते हैं तो एमएस दैट मींस माइक्रोसॉफ्ट। तो बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है यह माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। ये किस ग्रुप में आता है? एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ग्रुप में आता है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो जो मेन पार्ट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, वो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, वर्क फ्लो है, ये सब मेन पार्ट ऑफ द एमएस ऑफिस। आज हम लोग एमएस एक्सेल देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सेल खोलेंगे कैसे, एमएस एक्सेल कंप्यूटर पर हम लोग खोलते कैसे, तो हम और एमएस एक्सेल में होता क्या है, सबसे पहले खोलना जानेंगे कि एमएस एक्सेल खोलते कैसे हैं, उसके बाद उसके अंदर होता क्या है, हम लोग उसमें एमएस एक्सेल पे काम कैसे करते हैं, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले एमएस एक्सेल खोलने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में, यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप में बता रहा हूँ, देखते चलिएगा, शॉर्ट स्टेप बता रहा हूँ। हम अपने कंप्यूटर पे, कंप्यूटर जब ऑन होगा तो वहाँ पे हम लोग होम प्लस आर, यानी कि होम यानी कि विंडो की, होम यानी कि विंडो की प्लस आर, जैसे ही इसको ये स्टेप वन हो गया, स्टेप वन जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा रन कमांड खुलेगा। हमारा क्या खुलेगा? रन कमांड। रन कमांड खुलने के बाद यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आएगा, सर्च बॉक्स यहाँ पे आएगा ओके, यहाँ पे आएगा पेंसिल। तो यहाँ पे इस सर्च बॉक्स में यहाँ पर हम लोग को डालना है स्मॉल लेटर में excel.exe और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पर एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये मेथड वन, यानी कि एमएस एक्सेल खोलने का सबसे शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बताया हूँ थ्रू रन कमांड। रन कमांड की मदद से आप बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं, नहीं तो दूसरा आप स्टार्ट बटन में जाओगे अपने कंप्यूटर में, स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम में जाओगे, ऑल प्रोग्राम में मैं उसको भी नोट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है स्टेप टू, एक नंबर में स्टार्ट बटन में जाओगे, स्टार्ट में दूसरा नंबर में ऑल प्रोग्राम में जाओगे, तीसरा नंबर एमएस ऑफिस पर क्लिक करना है, एमएस ऑफिस पर क्लिक करके चौथा नंबर में एमएस एक्सेल को देख करके वहां पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एमएस एक्सेल खुल जाएगा। ये दो तरीका है एमएस एक्सेल को खोलने का, बहुत ही शॉर्ट वे, आसान सा तरीका है। तो चलिए, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि एमएस एक्सेल खोलते कैसे। अब एमएस एक्सेल के अंदर बहुत सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स आते हैं। अब एमएस एक्सेल के अंदर बहुत सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स आते हैं जिनको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब कौन कौन सा पॉइंट्स आता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं वैल्यूएबल पॉइंट्स, यहां पर एक नंबर में आता है वर्कबुक, दूसरे नंबर में आता है वर्कशीट, तीसरा नंबर में आता है सेल, चौथे नंबर में आता है वैल्यू, पांचवा नंबर में आता है लेबल, छठा नंबर में आता है टेबल। अब टेबल के ही अंदर आपको रो एंड कॉलम है। तो आइए हम लोग पहले, सबसे पहले हम लोग वर्कबुक को देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एमएस एक्सेल जैसे हम लोग बोलते हैं तो कुछ इस तरह का पेज हमको दिखाई देता है, कुछ इस तरह का पेज हमें दिखाई देता है।
या कुछ इस तरह का पेज हमें दिखाई देगा। इस तरह का पेज दिखाई देगा। तो ये जो पेज है, ये जो पेज है, ये बोर्ड पे आपको वर्क करना है। इसी पेज को हम लोग, जिस पर हम लोग काम करते हैं, जिस पेज पर काम करते हैं, जिस पेज पे वर्क हो रहा होता है, उस पेज को हम लोग बोलेंगे वर्कबुक। ओके, अब चलते हैं। अब यहाँ पर इसी पेज पर नीचे में यानी कि ऑप्शन में देखेंगे सीट वन, सीट टू, थ्री, फोर, इस तरह से यहाँ पर सीट बना होता है। ये जो सीट है, इस तरह से हम लोग, मैं आपको बता दूं, मान के चलिए कि आपका कॉपी है, तो कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है जिसमें हम लिख रहे होते हैं, वो मान के चलिए कि वर्कबुक है। और उसी पेज को सीट बाय सीट जैसे ही हम पेज बदलते हैं, अब सीट वन फर्स्ट पेज, सीट टू फिर दूसरा ब्लैंक पेज आ जाएगा। जैसे कॉपी का हम पेज चेंज करते हैं, तो वही सीट वन सीट टू आपको वर्कशीट का लगता है। तो हम यहाँ पर वर्कशीट भी देख लिया, वर्कबुक भी देख लिया। वर्कबुक फिर से मैं एक बार बता दूं, वर्कबुक जिस पेज पर काम कर रहे होते हैं उसी पेज को हम वर्कबुक बोलेंगे। लेकिन जैसे ही पेज चेंज करेंगे, नीचे से सीट वन सीट टू सीट थ्री चेंज होने के बाद वह वर्कशीट कहलाएगा। उसके बाद आता है सेल। सेल का मतलब होता है रो और कॉलम जब एक दूसरे से आपस में मिलते हैं तब सेल बनता है। यानी कि सेल हो गया ये हो गया सेल, ये जो कॉलम देख रहे हैं पर्टिकुलर किसी एक को ही हम सेल बोलते हैं। और हर सेल का पर्सनल नंबर होता है, नेम होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ भी मैं बता देता हूँ सेल का नंबर कैसे होता है, कौन से सेल को किस नाम से जानेंगे। अब मान लीजिए कि मैं पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे, इस पे, तो ये सी को ये कर रहा है और ये थ्री, इसको हम लोग बोलेंगे सी थ्री, इससे का नाम हो जाएगा सी थ्री। उसी तरह से अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ई और ये फाइव है, इस सेल का नाम हो जाएगा डी फाइव। तो चलिए हम लोग सी को भी देखते हैं। अब यहाँ पर अगला है वैल्यू। अब वैल्यू का मतलब, अब कोई भी सेल में अगर न्यूमेरिक डाटा समझते हैं ना, कोई भी डिजिट अगर नोट करते हैं, अंक यानी कि जीरो से लेकर के नाइन तक, प्लस माइनस, कोई भी मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करते हैं कोई भी सेल में, उसको बोला जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पर अगर लेवल की बात करें, तो जैसे ही वैल्यू में न्यूमेरिक डिजिट आते हैं, उसी तरह से नन न्यूमेरिक डिजिट को हम लोग जिस सेल में नन न्यूमेरिक डिजिट नोट करते हैं, जैसे कि कोई अल्फाबेटिकल नाम हम नोट करते हैं, उसको बोलेंगे लेवल और टेबल। अब टेबल का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टेबल, यानी कि बहुत सारे सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलेंगे टेबल। अब जैसे कि अब इधर को ही ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, अब जैसे कि इतना भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये हमारा ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा, टेबल कहलाएगा। तो हम लोग वर्कबुक देख लिए, वर्कशीट देख लिए, सेल देख लिए, वैल्यू देख लिए, लेवल देख लिए, टेबल देख लिए। इस तरह से हम लोग इन पांच छह वैल्यू पॉइंट्स को देखते जानते हैं इसके बारे में। अब इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि वर्कबुक पे हम लोग काम शुरू कैसे करते हैं। ये बेसिक चीज है, कॉमन चीज है, जो एक सब के बारे में हमें जानना जरूरी है। आज हमने उसको डिस्कस किया है। अब अगले वीडियो में हम लोग वर्कशीट और वर्कबुक के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू वर्क ऑन द एक्सेल। थैंक यू।